हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक मीनिंग ऑफ योगा। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट के अंदर हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स कवर किए हैं, एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज में योगा एजुकेशन। ओके, अब योगा के अंडर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो वो सब हम कवर करेंगे। एंड हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं सो मेक श्योर आप उनको अटेंड ज़रूर करें। एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे लेक्चर्स हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन पे आपको मिल जाएंगे। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि उस पे भी क्लासेस आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली मैं विद इन फ्यू डेज आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे भी क्लास आपकी अपलोड कर दी जाए। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, या और किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं योगा का मतलब क्या है। योगा एजुकेशन आपका, देखिए ये सब्जेक्ट जो है तीन आपके लगा लीजिए तीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और योगा एजुकेशन। अब योगा एजुकेशन क्या है, और प्लस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरह से अटेंड करना है, तो मैंने एक सैम्पल आंसर शीट आपकी चैनल पे डाली हुई है। सो मेक श्योर आप चैनल पे जाके देख लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक स्टूडेंट की सैम्पल प्रॉपरली कैसे आंसर अटेंड करना चाहिए वो मैंने वहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखें। आई बटन भी यहाँ पे आपका आ रहा होगा तो आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो योगा रेफर्स टू द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग टेक्निक्स। अब देखिए, हम इंडिया में योगा को बहुत महत्व देते हैं। हम सबको योगा के नाम से एक पिक्चर क्लिक हो जाती है, कुछ कुछ माइंड में आता है तो वो किसका आता है, कौन से बाबा जी का आता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। एंड उन बाबा जी का आना, मतलब हमने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि योगा का कितना महत्व है। योगा ओरिजिनेट हमारी कंट्री से हुई है और जो आज पूरे विश्व में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो ये हमारे लिए एक रिमार्केबल बात है। अब योगा के अंदर होता क्या है, देखिए रोग योगा जो है वो एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जिसमें आपको एक रूटीन होता है आपका, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, प्रॉपरली कैसे एक्सरसाइज करनी है, आपकी फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग की टेक्निक्स, कब सांस लेना है कब सांस छोड़ना है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो ये सब कोई भी योगा पोस्चर हुआ उसमें ये सब चीजें होती है। तो योगा हम बोल सकते हैं इन सब चीजों का मेल है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग टेक्निक्स। इट इज डन टू इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। तो क्यों किया जाता है, ताकि फिजिकल हेल्थ बनी रहे, साथ में मेंटल हेल्थ बनी रहे, रिलैक्स रहे इंसान, और ओवरऑल हमारा जो वेल बीइंग है वो बना रहे, स्ट्रेस ना हो किसी इंडिविजुअल को लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स ना आए, तो इसलिए योगा की जाती है। देखिए जो लोग अक्सर हमने देखा है ज़्यादा नेगेटिव टर्न हो जाते हैं तो हम हमेशा उनको एक एडवाइस करते हैं, या अदर पीपल दे यूज टू एडवाइस कि आप मेडिटेशन शुरू करें। तो इससे बिल्कुल ही देखिए प्रभाव पड़ता है, इंसान का जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट्स होते हैं। दिस इज प्रूवन सेवरल ऑफ टाइम्स। योगा इज संस्कृत वर्ड। अब देखिए एटिमोलॉजिकली योगा का क्या मतलब है, तो योगा एक संस्कृत वर्ड से डेराइव्ड है। योगा एक संस्कृत वर्ड है बेसिकली विच मीन्स कनेक्शन और यूनियन, जिसका मतलब है कनेक्ट करना या यूनियन। ओके, इट कैन बी यूज टू मीन एनी टाइप ऑफ कनेक्शन। मतलब देखिए हम अक्सर बोलते हैं मस्तिष्क का कनेक्शन आपकी फिजिकल बॉडी के साथ, आपको माइंड स्ट्रांग होता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्ट्रांग होती है, ऐसा सब क्यों होता है, ये फायदे क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कनेक्ट विद सेल्फ, विद अदर पीपल और विद द डिवाइन। अब देखिए आप खुद की आपको समझ होती है, आप खुद सेल्फ के साथ अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं और लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और एक अंतरात्मा के साथ आप कनेक्ट होते हैं।
देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ वर्ड योगा, हाउएवर दिस इज डिसिप्लिन टू कंट्रोल. द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज इंडीड वेरी मच अबाउट डिसिप्लिनिंग द बॉडी एंड माइंड. अब देखिए, योगा का एक लाइन में मैं आपको मतलब बताऊं, इसका मतलब है कनेक्शन, यूनियन एंड कंट्रोल. ये बेसिक है एक योगा का. आप किसी भी, जो भी योगा प्रैक्टिस करता है, आप उनको देखना, उनके थॉट्स कैसे होते हैं, वो कितने काम पर्सन होते हैं. ऐसा नहीं कि जो एक हफ्ते से कर रहा है, 2 महीने से कर रहा है, ये एक लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद आता है. जिसको कुछ साल हो गए हैं करते हुए या जो बचपन से करता आ रहा है, तो दे हैव अ गुड लाइक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, गुड पावर ऑफ कंट्रोल एंड एक कनेक्शन वो सबके साथ फॉर्म करते हैं, अपने साथ, औरों के साथ, एंड काम पर्सनालिटीज होते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज इंडीड वेरी मच अबाउट डिसिप्लिनिंग द बॉडी एंड माइंड. तो योगा क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए, डिसिप्लिन अपनी बॉडी और माइंड में लाना, दैट इज योगा. आपको क्या सोचना है क्या नहीं, मतलब नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दे, पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दे. अपनी बॉडी को किस तरह आपको बैठना है, क्यों आपका जो रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए बैठते वक्त, तो ये बोलना पड़ेगा किसी को. अगर वो योगा करता है तो उसमें ये चीज़ें खुद से आ जाएंगी. तो इसलिए आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, एक्टिविटीज बेस्ड पे भी स्कूल्स में, प्राइमरी क्लासेस में ही इसको इंक्लूड कर दिया जाता है. कुछ कुछ स्कूल्स में प्री प्राइमरी में ही ये इंक्लूडेड है. गवर्नमेंट स्कूल्स की भी मैं बात कर रही हूँ और प्राइवेट दोनों की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ. दोज़ हु प्रैक्टिस योगा रेगुलरली फाइंड दैट दे आर इन ग्रेट कंट्रोल. जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको आप फील करेंगे कि वो लोग कंट्रोल में रहते हैं. दे हैव लाइक अपने थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, साथ साथ बॉडी के ऊपर भी उनका ग्रेट कंट्रोल होता है. और ऐसे लोग देखिए, जो अगर आपके ऊपर कोई वो भी आ जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, एंगर की सिचुएशन आ गई, कोई आपको प्रवोक कर रहा है, तो अगर आप योगा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको प्रवोकिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, थॉट्स पे कंट्रोल करना आएगा. योगा पेव्स वे फॉर अ हेल्दियर लाइफ. तो एक बिल्कुल, अगर आप देखिए योगा कर रहे हैं तो एक हेल्दियर लाइफ मिलेगी, वी ऑल नो दैट. एंड इज कंसिडर्ड एन ईजी वे टू स्टे फिट. और ये एक बहुत आसान तरीका है फिट रहने का. आजकल मैंने देखा है लोग जिम की तरफ ज़्यादा भागते हैं और योगा की तरफ कम ध्यान देते हैं, बट बिलीव मी, जिम से बेटर इज योगा. मैं ये नहीं कह रही कि जिम बेकार है, बट ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, नो वेट लिफ्टिंग इज देयर. अपने शरीर को बिना कष्ट पहुँचाए आप हेल्दियर रह सकते हैं. तो योगा इज आप देखेंगे विश्व भर में लोग जिम को ना चूज करके योगा को चूज कर रहे हैं. एंड हमारी संस्कृति है योगा, एंड इट इज बेस्टेस्ट of exercise ever. We are here. Then other forms of exercise you can easily practice at home. आप इसको easily घर पे practice कर सकते हैं, या छत पे, या room के अंदर भी. तो ऐसा नहीं है कि आप ये limited है एक ही जगह से. अगर मैं जिमिंग की बात करूँ तो आप जिमिंग के लिए आपको properly जिम जाना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए एक खर्चा चाहिए होता है, बेसिक मशीन्स चाहिए होती हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, जो वहीं मिलते हैं. इट नीड्स नो ट्यूटर एंड नो मशीन्स एज वेल. तो जिम की तरह ना ट्यूटर चाहिए, ट्यूटर इन द सेंस जो वहाँ पे आपके जिम ट्यूटर्स होते हैं, तो वो सब नहीं चाहिए, मशीन्स नहीं चाहिए. आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आज के टाइम में यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं तो, या बुक्स आती हैं योगा की, आप उनको एक बार रीड करें, आप हर आसन जान जाएंगे और अच्छे से कर सकते हैं. और आप देखिए, किसी को कॉपी करके भी सीखते हैं, 1 महीना ज़रूरत पड़ेगी आपको, 2 महीना ज़रूरत पड़ेगी, एंड बाय द टाइम आप खुद से बहुत चीज़ें कर पाएंगे. आज के टाइम में प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोला जाता है कि आप योगा करें. वाई? बिकॉज एक हेल्दी डिलीवरी उनकी हो और बच्चा हेल्दी पैदा हो.
तो उसके लिए योगा कितना, आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जिमिंग के लिए नहीं बोला जाता है, योगा के लिए बोला जाता है। आप बीमार हैं तब भी आप योगा कर सकते हैं, जिम के लिए डॉक्टर्स मना कर देते हैं। तो यू कैन हैव द कंपैरिजन की कौन सी चीज बेटर है। सो दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग जो सालों से चली आ रही है और आज विश्व भर में फेमस है। साथ में मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो योगा में क्या क्या इंक्लूड होता है? मेडिटेशन इंक्लूड होता है, फिजिकल पोश्चर्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंड आगे भी है बॉडी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। तो यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बनाएं, यहाँ पे फ्लो चार्ट को इंक्लूड करें। मैं हमेशा बोलती हूँ आंसर्स के अंदर आप फ्लो चार्ट्स को जरूर डालें, एंड कहाँ कहाँ आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं मैंने अपने हर लेक्चर में आपको बताया है, और फ्लो चार्ट्स आपको बनाकर भी दिखाए हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको जरूर ऐड करना है। अब मेडिटेशन क्या है, फिजिकल पोश्चर क्या है, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक लाइन में टू द पॉइंट लिखना है। योगा एनकंपासेस मेडिटेशन एज वेल, कंसेंट्रेशन एंड काउंटिंग योर ब्रीथ हेल्प्स द मेडिटेट साइमल्टेनियसली विद हमिंग ओम अंडर योर ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पे लंबा ओम का उच्चारण होता है मेडिटेशन में, आप सांस भरते हैं लंबी और फिर सांस को छोड़ते हैं, लाइक ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वी ऑल नो व्हाट मेडिटेशन इज। और योगा के अंदर मेडिटेशन को ओम से जोड़ा जाता है, मतलब ओम का उच्चारण लंबी गति से। देन फिजिकल पोश्चर क्या है, फिजिकल पोश्चर मतलब आपके शरीर के जो पोश्चर्स आप बनाते हैं। वेरियस फिजिकल पोश्चर आर देयर फॉर एवरी पार्ट ऑफ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पर्सन। अब देखिए आप पार्लर में जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं, सलून जाते हैं, स्पा लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होते हैं उनका मसाज होता है, उनको आप क्लीन करवा सकते हैं सलॉन्स में जाके। बट आपको अपने इनर बॉडी पार्ट्स को लाइक ठीक करना है, उनको क्लीन करना है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, या उनकी मसाज करनी है, तो वो योगा के माध्यम से ही होती है सिर्फ। अब उसको आप और कोई सलोन में जाके वो चीज़ आप नहीं करा सकते हैं, वो तभी होती है जब डिफरेंट टाइप के योगा पोश्चर्स आप करते हैं। आपका जो स्किन लाइक अंदर आपके जो रक्त का बहाव है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक तरह से हो, एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर, वो आप जब योगा करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। ब्रीदिंग टेक्निक्स, अब ब्रीदिंग टेक्निक्स हर योगा जो आपका होता है, हर योगा का आसन तो उसमें अलग होती है। लाइक योगा आसन में एक टेक्निक होती है जिसमें आपको लेना होता है एंड देन उसी में छोड़ना होता है, तो हर आसन के साथ लेना कब है आपको सांस और छोड़ना कब है वो जुड़ा होता है। तो वो कब होता है, जब आप इसको सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देन बॉडी कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पे कुछ पोश्चर्स होते हैं जिसमें आपको 1 मिनट या 2 मिनट तक रुकना होता है, या आपको बारी बारी वो आसन करना होता है 10 बार 15 बार, तो वहाँ पे आपको एक बॉडी कंट्रोल आता है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए कुछ पोजीशन में बैठना पड़ता है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, अपने दिमाग को उन आसन में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉडी कंट्रोल आता है और माइंड कंट्रोल, जैसे दिमाग को आपने लगाया मेंटल पीस आपको मिलता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक से और मेडिटेशन से ये बहुत लाभदायक है आपके लिए। जो भी लाइक यंगस्टर्स हैं, अगर उन्होंने बचपन में शुरू नहीं की है योगा, तो मेक श्योर आज ही आप शुरू कर दें। बीएड के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आज के वक्त में ही आप शुरू कर दें, एंड आपको अब आपकी आने वाली लाइफ में ये बहुत बेनिफिट देगा। सो एक निचोड़ में बात करते हैं, सो इन सम द वर्ड योगा मीन्स अ डिसिप्लिन विच इज ऑल्सो अ यूनियन। मतलब आप में क्या आएगी, यूनियन, दैट इज कॉपरेट करके चलना साथ में, या हिंदी वर्ड में इसके लिए आपको बताती हूँ, मिलजुल कर चलना, यूनियन दैट इज बेसिकली। या हिंदी में जो एक करेक्ट वर्ड यूनियन के लिए वो होगा संघ या फिर टीम एक। सो दैट इज बेसिकली योगा। योगा मीन्स या हेल्प्स अस टू डिसिप्लिन आर सेल्फ, बिल्कुल, चाहे वो हम बॉडी की बात करें या माइंड की बात करें, तो दोनों ही डिसिप्लिन हम में आते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसिप्लिन वी फील स्ट्रॉन्गर यूनियन एंड विद द डिवाइन। तो हम इसको अपने आप को देखिए और अच्छे से पहचानते हैं,
अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, किस पोश्चर्स में हमें बैठना है, उठना है, लेटना है, तो वो सब आता है. एंड दैट इंक्लूड्स द डिवाइन इन आवर सेल्फ एंड इन दोज हु ऑल्सो फॉलो द डिसिप्लिन. सो ये था टॉपिक योगा के बारे में. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. एंड यहाँ पे 1.5 पेज या 2 पेज का आंसर आप लिखते हैं. मैं क्वांटिटी वाइज भी हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ आपको, बिकॉज कमेंट्स में हमेशा क्वांटिटी स्टूडेंट्स पूछते हैं. तो फॉर यू आई एम टेलिंग यू कि क्वांटिटी वाइज आप इतना ही लिखें. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द नोट्स, वी हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स. एंड आप कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो वो लिख दें. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप परचेज करना चाहें अगर नोट्स तो वहां से परचेज कर सकते हैं. सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्लास हम बेनिफिट्स के बारे में करेंगे कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं. थैंक यू.